हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यथार्थ आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम मिलकर कर रहे हैं तैयारी आरएएस प्रीलिम्स और मेंस की। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब तक जो लास्ट भर्ती है आरएएस की, जो वैकेंसी थी जिसके अंदर आरएएस 2021 के मेंस का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है, एंड इट इज़ एन इंडिकेशन कि जल्द ही जो है आपका आरएएस 2022 की जो वैकेंसी है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड वेरी सून यू विल बी एबल टू अप्लाई इन आरएएस 2022। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपकी जो तैयारी है वो एकदम फुल पेस में आ जानी चाहिए, और इसी के लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं और इसी तैयारी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप जो टॉपिक देख रहे हैं वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है आरएएस प्रीलिम्स के लिए भी और आरएएस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो प्रीलिम्स में है वो करंट जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड साइमल्टेनियसली जो आपका मेंस में है, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है ये आपका आता है साइंस में, साइंस वाले सेक्शन से आप क्या कर सकते हैं इसको देखेंगे, तो जितनी भी नई डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर आपकी काउंट की जाती है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। ओके, तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेटेस्ट कोई मिसाइल जो है टेस्ट की गई है, कोई नया जो है आपका स्पेस के अंदर सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है फॉर रिगार्डिंग ए लॉन्च सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम किसी भी टाइप का, तो उन सभी को यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें सेक्शन में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे हम वन ऑफ द सेक्शन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी दैट इज मिसाइल सिस्टम, आपका ये कंप्लीट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन है, एक पॉइंट, एक पार्ट है पूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी उसके अंदर आपका सारा सब कुछ अलग से आ जाता है, जिसके अंदर एरोस्पेस भी आता है, आपका इसरो से भी रिलेटेड आता है, सैटेलाइट सिस्टम आता है, एंड आपका जितने भी है मिसाइल टैंक्स एक्सेट्रा और ड्रोन सिस्टम सब आ जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम, मिसाइल जो कि आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम कैसे क्या वर्किंग होती है, किस तरीके से कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है, वो सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट की अगर हम बात करें तो मिसाइल है, एरोनॉटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका आता है, नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, एंड डीआरडीओ, इसरो, ये सारा का सारा आपका मैंने जैसे कि अभी डिस्कस किया था डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आता है, एंड इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, आपके जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसमें भी ये क्या है, इंक्लूडेड है आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो मूविंग अहेड, सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करें इन टेक्नोलॉजीज में से, तो आपका आते हैं अवॉक्स, यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अवॉक का मतलब क्या होता है, अवॉक्स आर दोज ड्रोन्स, ये वो ड्रोन हैं जो कि क्या करते हैं, आपका वार्निंग जारी करते हैं किसी भी टाइप का, जब भी ये कोई इंट्रूडर देखते हैं अपने एयर स्पेस के अंदर, चाहे वो अपने बाउंड्री एरिया हो, इनमें से कहीं पे भी यदि इंट्रूडर को देखते हैं तो वार्निंग जारी होती है। ये काम किसका होता है, अवॉक्स का होता है। जनरली जो अवॉक्स हैं वो आपके क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं विद ए रडार, एक जो रडार है वो माउंटेड होता है इन पे, और वो जो रडार है आपका उसकी रेंज हो सकती है 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री, यानी कि ओमनी डायरेक्शनल भी हो सकता है। यदि 360 डिग्री है दैट मीन्स सारी की सारी हो जाएंगी, तो ये ओमनी डायरेक्शनल हो गया, और 270 है तो किसी भी तीन दिशाओं के अंदर इस तरीके से यदि रडार रखा हुआ है तो वो इस तरीके से 270 डिग्री में आपका क्या करेगा, किसी भी इंट्रूडर को
इलीगल एक्टिविटी जो कि नहीं होनी चाहिए, काइंड ऑफ कोई भी जो है फाइटर जेट यदि किसी के एरिया में आ रहा है, तो इन सभी को देख करके वार्निंग जारी करता है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट आता है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये 1983 के अंदर आपका स्टार्ट हुआ था, और इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है 5 मिसाइल जो सीरीज थी उसको डेवलप किया गया था। सो वी कैन से दैट इसको हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके मेंस के रिगार्डिंग, IGMDP जो है इससे मेंस में काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। तो इस वाले में से जो है आपकी पटना से आप याद रख सकते हैं पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, और जो आपकी मिसाइल सिस्टम है वो डेवलप किया गया था किसके अंदर, IGMDP के अंदर, जो कंटिन्यूसली टारगेटेड वे में मिसाइल की एक सीरीज डेवलप करने के लिए स्टार्ट किया गया था। हालांकि इसको 2008 के अंदर क्लोज कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसमें कौन कौन से मिसाइल्स को डेवलप किया गया है, उनको भी हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं, तो हमें एक दिमाग में एक साधारण सा क्वेश्चन आता है कि मिसाइल का मीनिंग क्या है, मिसाइल होती क्या है। देखिए, जो भी थ्रो करके, यानी कि अगर हम उसको हाथ में न रख करके थ्रो करके किसी भी वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, मिसाइल कहलाता है। ये एक लेमैन लैंग्वेज है, ये आपकी जो सबसे साधारण भाषा है उसके अकॉर्डिंग है कि यू थ्रो समथिंग विच हैज़ बीन यूज्ड एज ए वेपन, तो ये क्या हो गया, इसका शाब्दिक मीनिंग यानी कि लिटरल मीनिंग हो गया कि मिसाइल वो होती है जिसको थ्रो करके एज ए वेपन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी वी कैन सी दैट द सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम। सेल्फ प्रोपेल्ड का मीनिंग क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब है जो कि इसका खुद का क्या होगा, इग्निशन सिस्टम होगा, सेल्फ प्रोपेल्ड होगी, इग्निशन से क्या होगा, थ्रस्ट क्रिएट होगा एंड उसी से प्रोपल्सन होता है। प्रोपल्सन का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड विद द हाई स्पीड, जो है प्रोपेल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, धक्का इसको लगेगा, तो ये जो है सेल्फ प्रोपेल्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट जो यहाँ पे फ्यूल है ये जब बर्न होता है तो इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, थ्रस्ट पैदा होता है, और यही थ्रस्ट क्या करता है, इसको ऊपर प्रोपेल करता है। तो मिसाइल की हम दो तरीके से, एक तो आपकी जो बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर मिसाइल का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, अगर लिटरल मीनिंग देखते हैं, एनी थिंग विच हैज बीन यूज्ड एज ए वेपन बाय थ्रोइंग इट, दैट इज मिसाइल। बट इन टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट वी कैन से दैट मिसाइल इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड प्रिसीजन गाइडेड। देखिए यहाँ पे जो जो शब्द आपको दिख रहे हैं ना, सभी का अपना अपना एक मीनिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है, हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे क्योंकि आगे का जो सिस्टम है उसको समझने के लिए ज़रूरी है। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब मैंने आपको अभी अभी समझा दिया, प्रिसीजन गाइडेड का मतलब होता है एक्यूरेटली गाइडेड। दैट मीन्स इसका जो टारगेट होगा वो बहुत ही सटीक होगा, उस टारगेट के लिए ये गाइडेड है, दिशा निर्देशित है। और ऐसा होता किससे है, इसमें प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस की हुई होती है, उससे इसमें क्या किया जाता है, इसका टारगेट सेट किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेट टारगेट जो कि बहुत ही एक्यूरेटली होगा। क्योंकि देखिए बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ये मिसाइल है, अगर इस मिसाइल को यहाँ जा करके टारगेट करना है और इसका टारगेट यदि चूक गया, उसमें एक्यूरेसी नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उन टेररिस्ट को, ये एक हाउस है, इस हाउस में छुपे हुए हैं, जाकर के यहीं पे इन टेररिस्ट को क्या करना है, किल करना है।
अब यदि प्रिसाइजली गाइडेड नहीं है, एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेटली गाइडेड नहीं है, और ये मिसाइल जा करके इसी के बगल में एक और घर है इससे टकरा गई, तो यहाँ पे टेररिस्ट तो मारे नहीं जाएंगे, वो बच जाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ी गलती। दूसरी क्या होगी, कुछ निर्दोष लोग जो हैं वो इस अटैक में मारे जा सकते हैं। ये ह्यूमैनिटी के लिए एक मतलब डिजास्टर साबित हो सकता है। सो बिफोर यूजिंग दिस मिसाइल्स, एक चीज जो ध्यान में रखी जाती है वो चीज है कि प्रिसीजन जो है इसका हाई होना चाहिए। प्रिसीजन का मतलब लोवेस्ट जो है एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एरर की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। जो है मल्टी गाइडेड जो डायरेक्शनल सिस्टम होगा वही आपका क्या कहलाता है, मिसाइल कहलाता है। दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ए मिसाइल। अब देखिए मिसाइल्स जो हैं आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों के अलग अलग फंक्शनिंग का मेथड क्या है, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मेंस एग्जाम। आपसे 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी डिफरेंस विद सर्टेन एक्सप्लेनेशन कि इसका मीनिंग क्या है ये देखते हुए। सबसे पहले आपकी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है जिसका एक फिक्स टारगेट होता है एंड पैराबोलिक पाथ होता है, मींस टू से ये आपकी मिसाइल है। ओके तो अगर मैंने यहां पे कोई इमूवेबल फिक्स टारगेट बना रखा है तो ये मिसाइल जो है टारगेटेड है। मान लीजिए वही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, इस घर के अंदर क्या है, एक जो सेल्टर एरिया बना करके टेररिस्ट रह रहे हैं एंड उनको किल करना है, तो ये मिसाइल जो है इस टाइप से गाइडेड है इस पे लॉन्च होने के लिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर दो प्रॉपर्टीज कौन सी, पहली प्री डिसाइडेड टारगेट एंड सेकेंड वन इज पैराबोलिक पाथ। इन दोनों को यहां से समझते हैं। प्री डिसाइडेड जो टारगेट है इस पे लॉन्च करने के लिए जो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल है ये जो पाथ ट्रेवल कर रही है ये वाला पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। मीन्स टू से इट विल राइज अप टू ए पॉइंट एंड इट विल गेट स्टेशनरी। इसकी जो स्पीड होगी इन कॉन्टेक्स्ट टू द अराइज वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जो है स्टेशनरी, देन आफ्टर इट विल डिसेंड। ये वाला जो पाथ कहलाता है ये आपका क्या कहलाता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ये हमने बचपन में हमारी जो 9th-10th की क्लास उसमें पढ़ा था, पैराबोलिक पाथ क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू होती है एंड फाइनल वेलोसिटी वी होती है, वही वाली चीज यहाँ पे है। सो दो चीजें जो कौन सी, आपकी प्री डिसाइडेड टारगेट होगा यानी कि इसमें फिक्स टारगेट होता है कि कहाँ जाकर के लॉन्च करनी है, उस वाले टैंक को डिस्ट्रॉय करना। अब टैंक तो क्या हो गया, मूव कर रहा है, यदि टैंक अपनी पोजीशन से हट गया तो भी मिसाइल, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी टैंक को डिस्ट्रॉय करना होता, यदि इस पे लॉन्च करने के लिए प्री डिसाइडेड और टैंक यहाँ से मूव कर गया तो भी मिसाइल तो इसे खाली स्पेस पे आकर के ही लॉन्च होगी। ये कहने का सिस्टम क्या है आपका, मतलब क्या है बैलिस्टिक मिसाइल का है एंड पैराबोलिक पाथ मैंने आपको समझाया। ऑन द अदर हैंड जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल के अंदर क्या होता है, पाथ जो है वो पैराबोलिक नहीं होता है, पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टारगेट जो होता है वो फिक्स टारगेट नहीं होता, यानी कि मूवेबल टारगेट होता है। तो आपने जो मूवीज में देखा है कि आपकी जो एक यहाँ पे फाइटर जेट है और ये जो फाइटर जेट उड़ रहा है अपना, तो उसके पीछे एक मिसाइल लगी हुई है एंड
इन द सेम डायरेक्शन, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये जो जेट है ये इस टाइप से अगर कोई अपने डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, तो इसी के पीछे लगी हुई जो मिसाइल है वो भी अपने पाथ को साइमल्टेनियसली चेंज करती रहती है। तो वो कौन सी मिसाइल होती है? वो होती है आपकी क्रूज मिसाइल। एंड ऑन दिस बिहाफ वी कैन से दैट क्रूज मिसाइल जो है इसका पाथ स्ट्रेट होगा, यानी कि यदि पीछे पीछे लगी हुई है तो स्ट्रेट हो सकता है, दूसरा जिगजैग हो सकता है। मान लीजिए ये टारगेट है, ये एक बार इस डायरेक्शन में चला गया फिर इधर आ गया, तो सेम डायरेक्शन के अंदर मिसाइल इसको फॉलो करेगी। सेकंड थिंग कि टारगेट जैसे इसमें इमूवेबल था, इसमें टारगेट क्या होता है? मूवेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मरीन वर्जन देखें, यानी कि नेवल वर्जन देखते हैं हम क्रूज मिसाइल का, तो नेवल वर्जन के अंदर एक जो सबमरीन है, दुश्मन की सबमरीन है, एनिमी की सबमरीन है, यदि उसको टारगेट करके क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया एंड सबमरीन जो है कभी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्रूज मिसाइल भी उसके पीछे पीछे क्या होगी? जाएगी। अब ऐसा हो किस लिए पाता है? यानी कि ये क्रूज मिसाइल है, ऐसी इसमें कौन सी वाली एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी होती है कि मूवेबल टारगेट को ट्रेस कर पाती है? ऐसा इसमें पॉसिबल होता है ड्यू टू दी हीट वेव सेंसर्स। जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स जब अपनी फ्लाइट के अंदर होते हैं, उड़ रहे होते हैं, तो उस दौरान उनसे बहुत हीट निकल रही होती है एंड एज पर दैट हीट वो जो एनवायरनमेंट में रेडिएशन जनरेट होती है उनको यहाँ पे लगे हुए सेंसर्स कैच करते हैं एंड इसके पीछे पीछे वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रोसेस। ये आपका जो हो गया पहला डिफरेंस हो गया, फिक्स्ड टारगेट, पैराबोलिक पाथ, मूविंग टारगेट एंड नो फिक्स्ड पाथ। इसमें एक पाथ फिक्स कौन सा हो गया? पैराबोलिक। इस टाइप से जो है आपका पैराबोलिक पाथ होगा, लेकिन इसमें नहीं है। मैंने कहा कि स्ट्रेट भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, कोई फिक्स्ड पाथ इसमें नहीं है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक मिसाइल एंड द क्रूज मिसाइल। इट इज प्रोपेल्ड ओनली फॉर ए ब्रीफ ड्यूरेशन एंड आफ्टर द लॉन्च इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी टू रीच इट्स टारगेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, इसका जो प्रोपल्सन है, यानी कि मान लीजिए कि ये एरिया इसका फ्यूल वाला है, तो इसका जो प्रोपल्सन है, जितने टाइम तक इसका फ्यूल जलता है और उस फ्यूल के जलने की वजह से थ्रस्ट लगता है और उस नीचे जो थ्रस्ट लग रहा है उससे मिसाइल लॉन्च हो रही है ऊपर, ये वाला प्रोसेस जो है ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही रहता है। यानी कि जब यहाँ से ये लॉन्च होकर के तो इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से थ्रस्ट हो रहा है एंड ये कंटिन्यूसली रीजिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे थर्स्ट हो रहा है और ये होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड यहाँ पे पीक पे पहुँचने तक। एंड आफ्टर दैट इसमें प्रोपल्सन की बजाय ग्रेविटी ये नीचे की तरफ लाने का काम कौन करता है? इसको ग्रेविटी करती है। और ये यहाँ पे इस तरीके से टारगेट होगी, इस चीज का जो है यहाँ पे जो एंगल सेट करके थीटा इसका पैराबोलिक पाथ डिसाइड किया जाता है, उसी पे उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक्ट करती है, तो आपका क्या होता है, प्री डिसाइडेड टारगेट पे पहुंच पाती। इट आल्सो इंक्लूड द सर्टेन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच इट हैज़ बीन डिसाइडेड। इसकी जो रेंज होती है ये क्या कहलाती है, यानी कि लॉन्चिंग पैड से लेकर, ये आपका क्या है, इसका लॉन्चिंग पैड जहाँ से इसको लॉन्च की जा रही है, और ये आपका क्या हो गया, टारगेट। तो इसके बीच की ये जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, इसकी रेंज कहलाती है। तो ये जो रेंज होगी ये दो फैक्टर्स पे बेस्ड होकर के ट्रेवल की जाएगी आपकी कम्प्लीटली पूरी की जाएगी। वो कौन से दो फैक्टर हैं? सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है, ये वाला जो फेज है ये होता है प्रोपल्सन से, एंड ये जो फेज है यहाँ से लेकर के, यानी कि पीक से लेकर के टारगेट तक का, ये तय किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। सो इन दिस वे इट डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स। वाइल ऑन द अदर हैंड ये क्या रहती है, हमेशा सेल्फ प्रोपेल्ड रहती है। इसका कारण क्या है, क्यों? क्योंकि इसका तो कोई पैराबोलिक पाथ नहीं है कि ये ऊपर पहुंच के फिर इसको गिराना हो तो अपने आप ग्रेविटी से नीचे गिर जाएगी,
इसको तो कंटिन्यूसली अपने क्या करना पड़ता है, टारगेट को चेस करना पड़ता है, कंटिन्यूसली टारगेट को चेस करना, दैट मीन्स कंटिन्यूसली इसको डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है तो इट हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो इसको नीचे की तरफ खींचेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ये टारगेट है एंड इसके पीछे जो है आपकी मिसाइल लगी हुई है यहाँ पे। अब एज सुन एज ये जो टारगेट है इसने अपनी डायरेक्शन ये चेंज कर ली और यहाँ पे पहुंच गया, तो मिसाइल को भी इसके पीछे यहाँ जाना है। सो इट हैज टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी इसको क्या करेगी, नीचे की ओर लेगी, जबकि इसको क्या करना है, ऊपर की ओर जाना है। सो इन दिस वे इसको क्या करना होगा, हमेशा अपना प्रोपल्शन है, अपना जो फ्यूल है बर्निंग स्टेज में रखना होगा, सो दैट इट कैन गेट द सेम डायरेक्शन एज ऑफ दैट टारगेट जिसको ये चेस कर रही है, उसी डायरेक्शन में अपनी बनाई रखे पेस। तो इस चीज के लिए हम कह सकते हैं कि ये हमेशा क्या रहती है, टिल द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट, मीन्स एंड ऑफ फ्लाइट कब होगा, जब टारगेट को हिट कर देगी, एंड एंड ऑफ द फ्लाइट जब तक नहीं होगा तब तक इसमें क्या होगा, फ्यूल ही बर्न होता रहेगा, ग्रेविटी वाला एक्ट जो कि बैलिस्टिक मिसाइल में होता है नहीं होगा। सो यहाँ पे दो चीजें होती हैं आपकी, एक तो प्रोपल्शन होता है और दूसरा क्या होता है, ग्रेविटी होती है, इसमें हमेशा क्या होता है, प्रोपल्शन ही काम करता है। दिस इज द सेकंड डिफरेंस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कैन हैव ए वेरी लॉन्ग रेंज, 300 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है, क्यों, इसका कारण आप समझ सकते हैं। देखिए जो आपकी ये मिसाइल है इसको क्या करना है, यहाँ तक का ही फ्यूल क्या करना है, कैरी करना है, एंड देन आफ्टर ये ग्रेविटी से नीचे जाकर के टारगेट से टकरा रही है। अब यहाँ तक के लिए अपन जितना एंगल सेट कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये मैंने एंगल सेट किया है 300 किलोमीटर के लिए, थीटा वन। नाउ अब मैंने क्या किया, आपका एक मिसाइल यहाँ से मुझे लॉन्च करनी है एंड मुझे पहुंचाना है यहां तक, एंड दिस डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर, तो यहां पे जो एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा, थीटा टू। सो एज पर द प्री डिसाइडेड एंगल इसकी रेंज कितनी कवर होगी वो आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक पैराबोलिक पाथ में है, रेंज जो है आपकी थीटा पे डिपेंड करती है, एंगल पे डिपेंड करती है, जिस एंगल पे प्रोपेल किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग। अगर हम थीटा को और ज़्यादा बढ़ा देंगे इस टाइप से, मान लीजिए कि यहाँ पे बढ़ा दिया थीटा थ्री, तो ये जो है ये और कम दूरी को ट्रेवल करेगा। इस टाइप से आपका क्या होता है, इसमें हम रेंज को डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है कि जैसे मैंने बताया इसका हाफ वे तक ही हमें क्या करना है, प्रोपल्शन करना है, हाफ वे तक करना है, उसके बाद नहीं, तो हम उसमें सर्टेन जो है लोड की अमाउंट, फ्यूल की अमाउंट जो है वो बढ़ा सकते हैं, सो दैट इट कैन गिव द हायर वैल्यू ऑफ थ्रस्ट, जल्दी से जा करके ज़्यादा रेंज तक को ये क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं किसकी, आपकी क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल के अंदर क्या होती है, रेंज स्मॉल होती है, लेस देन लगभग 500 किलोमीटर होती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसको तो ग्रेविटी की हेल्प मिलती नहीं है, इसको तो इवन बहुत बार क्या होता है, इसको इट हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो इसको अपना पूरा पूरा क्रूज मिसाइल डिपेंडेंट होती है फ्यूल पे, और फ्यूल यदि बहुत ज़्यादा डाल दिया रेंज ज़्यादा कवर करने के लिए तो क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, और हैवी होने की वजह से इसकी जो एल्टीट्यूड है यानी कि दी हाइट जिस पे इसको फ्लाई करना है, इसकी जो फ्लाइट होगी वो कम रह जाएगा। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, मैं ये यहाँ पे ये समझा रही हूँ कि आपकी जो क्रूज मिसाइल है इसको हम क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबी रेंज के लिए नहीं कर सकते। उसका पहला कारण क्या है कि ये हमेशा अपने फ्यूल पे ही वर्क करती है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड रहती है, ग्रेविटी से इसका काम नहीं चलता है, तो उस वजह से फ्यूल पे ही वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल मुझे
इसको मान लो कि मैं तो चाहती हूँ कि 1000 किलोमीटर की मुझे एक क्रूज मिसाइल मिल जाए, लेकिन 1000 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए फ्यूल भी तो उतना ही सारा चाहिए होगा, और यदि फ्यूल ज्यादा मैंने कर दिया, फ्यूल की अमाउंट बढ़ा दी, तो मिसाइल आपकी क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। और हैवी हो गई तो मान लीजिए कि ये जिसको टारगेट कर रही थी, हैवी होने से आपका जो टारगेट है वो ज्यादा ऊंचाई पे चला गया, टारगेट यहाँ पे प्रेजेंट है इस टाइप से, अब मिसाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो है आपकी मिसाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो टारगेट यहाँ पे, अगर टारगेट ऊंचा चला गया तो मिसाइल हैवी है, उतने फास्ट तरीके से जो है इसका प्रोपल्शन नहीं काम कर पाएगा, ज्यादा टाइम तक और ज्यादा ऊंचाई पे ये नहीं जा पाएगी। इस वजह से क्या रखा जाता है, इसमें फ्यूल की अमाउंट को कम रखा जाता है, एंड फ्यूल की अमाउंट कम होने की वजह से इसकी जो रेंज होती है वो रेंज कम होती है। सो हम यहाँ से कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो आपकी क्रूज मिसाइल होती हैं, वो क्रूज मिसाइल कम रेंज की वजह से उन एरियाज में उन टाइम पे यूज की जाती हैं जब फटाफट जल्दी से कम दूरी पे उपस्थित किसी टारगेट को हिट करना हो। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द वॉर कंडीशन आसमान में कोई भी दो फाइटर जेट हैं, एक आपके एनिमी का फाइटर जेट है, तो उसको यदि तुरंत ख़त्म करना है, वो आपके नज़दीक आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो मिसाइल लॉन्च की जाएगी वो कौन सी वाली मिसाइल होगी, क्रूज होगी, क्योंकि नियर डिस्टेंस पे और मूवेबल टारगेट को सटीक तरीके से हिट करने के लिए कौन सी चाहिए, हायर एल्टीट्यूड पे क्रूज मिसाइल चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो आपको प्रॉपर्टीज बताई थी वो किस में होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में होती हैं। ओके, सो ये जो है हमने तीन डिफरेंस पढ़े हैं, पहला तो आपने पाथ का और टारगेट के रिलेटेड पढ़ा, सेकेंड आपने पढ़ा कि जो है वर्किंग किस टाइप से होती है, यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं, प्रोपल्शन एज वेल एज ग्रेविटी, एंड यहाँ पे एक ही फैक्टर काम करता है, दैट इज प्रोपल्शन, एंड थर्ड वन इज कि यहाँ पे जो है रेंज ज्यादा होती है और वो उसकी वजह क्या है वो मैंने समझाई। नेक्स्ट हम जो चलते हैं डिफरेंस पे, वो कौन सा है आपका, कि हैवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। ऑब्वियस सी बात है कि हैवी पेलोड होगा, यहां से जो मिसाइल है इसका टारगेट फिक्स है, रेंज मान लीजिए कि ये 12,000 ने लेकर के हम मान लेते हैं कि 4,000 किलोमीटर तक जाना है, तो 4,000 का भी इसको कहां तक ही लेना है, मिडवे तक ही इसको पेलोड लेना है, तो 4,000 बढ़ा करके यदि मैं इसको 7,000 भी कर रही हूँ, पेलोड को बढ़ा दिया, तो कम टाइम के लिए तो हैवी पेलोड भी ये यूज कर लेगी। तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होती है, पेलोड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वो गोला बारूद, वो जो है आपका एमिनेशन सिस्टम जो कि ये जा करके जिस टारगेट पे हिट करेगी उस पर गिराएगी, खुद जा करके मिसाइल गिर रही है, इसका मतलब क्या होता है कि इस मिसाइल के ऊपर वाला जो आगे वाले हिस्से के अंदर क्या होता है, गोला बारूद होता है जो कि हिट करता है टारगेट को, तो ब्लास्ट होता है, इस वजह से ही इसको यूज किया जाता है। तो पेलोड कैपेसिटी इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज कर सकते हैं जो है गोला बारूद किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो पेलोड कैपेसिटी है क्रूज मिसाइल की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, और इसका अगेन वही कारण है कि इसको बार बार मूव करना पड़ रहा है, हाइट पे जाना पड़ रहा है, टारगेट फिक्स नहीं है, इस वजह से क्या होती है पेलोड, यानी कि इसके आगे जो यदि हैवी रख देंगे हम गोला बारूद तो इसकी क्या हो जाएगी, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो पेलोड कैपेसिटी कम होती है क्रूज की, ज़्यादा होती है बैलिस्टिक की। Developed primarily to carry the nuclear warheads, यानी कि जो nuclear material होता है, nuclear bomb गिराए जाते हैं, उन nuclear bomb को गिराने के लिए, target करने के लिए कौन से missile system use किया जाता है, ballistic missile system use किया जाता है। Developed primarily to carry the conventional warhead, conventional warhead के अंदर जो normal आपका गोला बारूद ये सब जो होता है हिट करने के लिए वो इसमें किया जाता है क्रूज मिसाइल में, जबकि न्यूक्लियर मटेरियल से हिट यदि करना हो
न्यूक्लियर मिसाइल जिनको बोलते हैं, आप और हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में आता है कि जो है नॉर्थ कोरिया ने ये वाली न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप कर ली। न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप करने का मतलब है कि उसके ऊपर जो आगे हिट करने के लिए, टारगेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो उसमें न्यूक्लियर मटेरियल है। दैट मीन्स जो एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, एटसेट्रा चीज़ें उसमें यूज की जा रही हैं। पृथ्वी फर्स्ट सेकंड, अग्नि फर्स्ट सेकंड एंड धनुष प्रहार, पृथ्वी सीरीज, त्रिशूल, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के। ऑन द अदर हैंड जो आपका है क्रूज वर्जन आ चुका है ब्रह्मोस का, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो कि इंडिया एंड रसिया का एक जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस जो है दो रिवर के नाम, ब्रह्मपुत्र एंड मोस्को, इन दोनों रिवर जो कि बहुत ही दोनों इम्पोर्टेंट रिवर हैं, ब्रह्मपुत्र फॉर इंडिया एंड मोस्को फॉर द रशिया, इन दोनों को कंबाइंड करके रिवर्स के नाम पे ही ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। एंड इट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। और ये आपका एग्जाम्पल है किसका? क्रूज मिसाइल सिस्टम का। So these are the differences between the ballistic missile system and cruise missile system. I hope आपको ये clear हो गया है। Still अगर कोई doubt है तो आप comment section के अंदर जा कर के comment कीजिए और उस doubt को हम clear करने की पूरी कोशिश करेंगे। Type of ballistic missile based on the range and based on the speed जो है आपकी cruise missile। क्यों? Range और speed का ही हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को डिज़ाइन किया जा रहा है दूरी के आधार पे कि ये कितनी दूरी पर जा जा करके हिट करेगी। स्पीड इसलिए नहीं, क्यों, स्पीड होती है, ऑब्वियसली होती है, बट उसको एज ए फीचर नहीं बनाया जाता, बेस नहीं बनाया जाता डिज़ाइनिंग का, क्योंकि इसके अंदर पैराबोलिक पाथ होता है, प्री डिसाइडेड टारगेट होता है, टारगेट मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपका यहाँ से यहाँ पे टारगेट को हिट करना है, यहाँ से रहते हुए यहाँ पे टारगेट को हिट करना है। सो इन दीज कंडीशन जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वेरी कर रही है, मूवेबल नहीं है, टारगेट फिक्स है बट डिस्टेंस वेरी कर रही है। यहाँ पे 300 किलोमीटर ही है और यहाँ पे मान लेते हैं 1000 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस का वेरिएशन है इसी को देख करके, डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी, इस वाली डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, जो आपकी लॉन्च से लेकर के टारगेट के बीच की होती है, इसकी रेंज हो गई 300 किलोमीटर। तो बैलिस्टिक मिसाइल को हम फर्दर विद इन द बैलिस्टिक मिसाइल यदि डिफरेंशिएट करते हैं विद इन द बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, तो देन वी डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ द रेंज दे विल कवर। एंड क्रूज मिसाइल के अंदर क्या मैटर कर रहा है? क्रूज में ये मैटर कर रहा है कि कितनी स्पीड से वो अपने टारगेट का पीछा करते उसको हिट करती है, क्योंकि यहाँ पे रेंज बहुत वेरिएबल होती है। हो सकता है कि इसको विद इन 1 किलोमीटर ही इसको हिट करना हो, और हो सकता है इसको विद इन जो है 300 किलोमीटर हिट करना हो। तो इससे पहले कि जो इसका टारगेट मूवेबल है, चल सकता है, फॉर एग्जांपल फाइटर जेट है कोई, वो मूवेबल है, इससे पहले कि वो भाग जाए, चला जाए इसकी रेंज से बाहर, इसको फास्टली जा करके क्या करना होगा? हिट करना होगा, फास्टली जाकर हिट करना होगा। इन शब्दों का मीनिंग है कि इसकी स्पीड जो है उस पर हमारा डिपेंड करेगा कि क्रूज मिसाइल को हम फर्दर सब डिवाइड कैसे करते हैं। सो वन बाय वन जो है इनको हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे बेस्ड ऑन द डिस्टेंस क्या कहलाता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है आपका वो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 300 से 1000 किलोमीटर की एक रेंज है ऑलमोस्ट, उस रेंज के अंदर अपना क्या करते हैं? टारगेट को हिट करते हैं। वो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल्स कहलाती हैं? वो आपकी कहलाती हैं शॉर्ट रेंज, और इसके अंदर आता है आपका प्रहार एंड प्रगति। दीज आर टू मिसाइल्स जो कि क्या है आपके एग्जाम्पल हैं, प्रहार मिसाइल एंड प्रगति मिसाइल। दैट मीन्स प्रहार और प्रगति मिसाइल जो हैं 300 से 1000 किलोमीटर, जो कि अभी मैंने समझाया था, मान लीजिए ये 300 किलोमीटर की रेंज पे टारगेट है, इसको हिट करना है, या फिर हिट करना है यहाँ पे प्रेजेंट टारगेट जो कि कौन सा है? 1000 किलोमीटर पे। मीडियम रेंज,
मीडियम रेंज का मतलब है 1000 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर, 35 जो 100 आपका किलोमीटर डिस्टेंस है, रेंज है, उसको कौन सा बोलते हैं हम, मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। एंड द एग्जांपल्स ऑफ द मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम आर अग्नि 1 एंड अग्नि 2। अग्नि सीरीज की जो बहुत सारी मिसाइल हैं, 5 तक बन चुकी हैं, उसमें से अग्नि 1 और अग्नि 2 है वो इस रेंज को कवर करती हैं। थर्ड है इंटरमीडिएट, 3500 से 5500 जो है, ये यदि किसी भी मिसाइल टारगेट की इन द बैलिस्टिक सेक्शन, बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल में हिट करने की रेंज हो टारगेट का, तो वो आपका कहलाता है इंटरमीडिएट रेंज। एंड IRBM का मतलब है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ये इसमें आता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरकॉन्टिनेंटल। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है, शाब्दिक मीनिंग तो क्या होता है आपका, बिटवीन दी टू कॉन्टिनेंट्स। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ जो आपका इंटरमीडिएट है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे अग्नि 3 एंड अग्नि 4। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले तो हम जो है इसका शाब्दिक मीनिंग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया से अगर हमें लगभग आपका यूरोप की तरफ किसी भी कंट्री में अगर मिसाइल लॉन्च करनी है, या इंडिया से हमें इस साइड में मिसाइल लॉन्च करनी है, तो एक यदि डिस्टेंस 5500 इससे ज़्यादा की डिस्टेंस कवर की जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है आपकी ये वाली डिस्टेंस किस में आ जाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अंदर आ जाती है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है मोर देन 5500 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, एंड दोज मिसाइल्स विच कवर द रेंज और विच कवर द डिस्टेंस मोर देन 5500 आर नोन एज बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। एंड इसके अंदर आपका जो है अभी अग्नि 5 लेटेस्ट जो इंडिया ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जिसको लॉन्च करके टेस्ट किया है वो है अग्नि 5। इस मिसाइल सिस्टम को इंडिया ने टेस्टिफाई कर चुका है। नेक्स्ट आती है आपकी क्रूज मिसाइल्स के टाइप बेस्ड ऑन द स्पीड। सबसे पहले तो आप एक यहाँ पे इस जो वर्ड दे रखा है मैक, मैक का मीनिंग समझेंगे कि हम मैक होता क्या है। देखिए मैक का मतलब होता है इट इज ए यूनिट टू मेजर स्पीड इन कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के कंपेरिजन में यदि किसी की स्पीड को हम मेजर कर रहे हैं, तो वो वाली एक, सबसे पहले तो ये क्या है, यूनिट टू मेजर स्पीड, ये स्पीड को मेजर करने की एक क्या है, यूनिट है, एक ऐसा ही यूनिट है होती है, वैसे ही क्या है कि ये यूनिट है। और किसके कंपैरिजन में मेजर करते हैं हम, स्पीड ऑफ साउंड जो है आवाज की ध्वनि की जो गति है, स्पीड है, उससे कंपेयर करके। सो 1 मैक इक्वल्स टू क्या होता है आपका, यानी कि 1 मैक का मतलब क्या होगा या मैक का मतलब क्या होगा, ये होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम। अब देखिए यहाँ पे मीडियम शब्द जो लगाना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साउंड की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे डिपेंड करती है। सॉलिड के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो अलग होती है, एयर में साउंड की स्पीड अलग होती है, लिक्विड में साउंड की स्पीड अलग होती है। सो जिस मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड को आप मेजर कर रहे हो उसी मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ द साउंड इन द सेम मीडियम, इट कुड बी लिक्विड फॉर एग्जाम्पल।
आपका मैंने एग्जांपल दिया था नेवल सिस्टम के अंदर, मरीन सिस्टम में जब सबमरीन को यदि कोई क्रूज मिसाइल टारगेट कर रही है तो वहाँ पे मीडियम क्या हो गया, लिक्विड वाटर हो गया। तो वाटर एज ए मीडियम है, तो वाटर के अंदर ही साउंड की स्पीड को हम जो आइडियल एक डेटा है फिक्स्ड है आपकी, उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो वो आपका क्या निकल के आएगा, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मैक, मैक में वो कितनी है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया इसको। अब फटाफट हम जो है इसका डिवीजन देख लेते हैं कि कितने तरीके से होगा। तो उसमें देखिए आपके तीन टाइप की होती है और एक फोर्थ टाइप और होता है सोनिक। हाइपरसोनिक वो होती है यदि मैक 5 से ऊपर उसकी स्पीड चली जाए। मैक क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, यदि 5 मैक से ऊपर किसी क्रूज मिसाइल की यदि स्पीड है, यानी कि दैट मींस देखिए यदि एक मैक है, एक मैक का मतलब होता है सोनिक, और एक मैक कब होगा, कोई भी चीज का रेशियो यानी कि यदि x अपॉन y है, ये 1 कब होगा, जब x इक्वल टू y हो, इससे x और y आपस में कट जाएंगे और वैल्यू निकल के आएगी 1। तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। तो वो पर्टिकुलर क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये जो स्पीड है ये यदि साउंड की स्पीड के इक्वल हो जाए इस मीडियम में, तो ये आपकी पर्टिकुलर कंडीशन कहलाएगी 1 मैक, क्योंकि दोनों की स्पीड इक्वल है, कट जाएगी वैल्यू आएगी 1। तो 1 मैक जब होता है तो वो स्पीड और वो ऑब्जेक्ट कहलाता है सोनिक, और इसकी कंपैरिजन में ही हम डिसाइड करेंगे बाकी चीजें। तो सोनिक में से ऊपर यदि होता है इक्वल्स टू, यदि मैक 1 हो गया सोनिक, मैक की वैल्यू 2 to 3 हो गई, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सुपरसोनिक कहलाएगा। और यदि इससे भी ज्यादा हो गई, मैक की वैल्यू 2-3 की बजाय मैक की वैल्यू 5 and 5 greater than 5 हो गई, 4 हो गई, तो वो आपका क्या कहलाएगा, हाइपरसोनिक कहलाएगा। अब सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो है बाय डिफॉल्ट ये दोनों ही साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड साउंड की स्पीड से कम चलने वाले, यानी कि 1 मैक से कम यदि हो गया, 0.8 हो गया, 0.8, तो ये आपका क्या कहलाता है, सब सोनिक कहलाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि ये तीन टाइप की मिसाइल होती हैं, और आपकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके अंदर आता है एग्जांपल के तौर पे, जो लेटेस्ट एग्जांपल है हाइपरसोनिक का, माय डियर फ्रेंड्स आप याद कर लेंगे, हाइपरसोनिक इज ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 जो है वो हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक के अंदर आता है एग्जाम्पल ब्रह्मोस 1। ब्रह्मोस 1 इज सुपरसोनिक, ब्रह्मोस 2 इज हाइपरसोनिक। ब्रह्मोस 2 की जो ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट लेवल का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट 7 मैक पे ये काम कर रही है। तो इट इज ग्रेटर देन 5, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइपरसोनिक। एंड सबसोनिक के अंदर जो है आपके आ जाती हैं, जो आपकी निर्भय मिसाइल है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्भय मिसाइल, क्रूज मिसाइल है निर्भय, वो आपका क्या हो जाएगा, सबसोनिक कैटेगरी में आ जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव क्लासिफाइड द मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम। फर्दर हम जो है आगे अपने जो है कुछ स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि डिफेंस सिस्टम क्या होता है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे फर्दर वेरी करती हैं, एंड अग्नि सिस्टम, पृथ्वी सिस्टम, नाग, त्रिशूल, जितनी भी मिसाइल्स हैं उनको हम 1 by 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।